नमस्कार दोस्तों, फूड रिवाइंड में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ फूल गोभी और अंडे से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी बनाना बताऊंगी। आशा करती हूँ आज की रेसिपी आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी देखे अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज के लाइक का गोल रखते हैं 500। तो रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने एक फूल गोभी को ऐसे बड़े स्लाइस में काट लिया है, और लिया है 2 मीडियम साइज के आलू। आलू को हमने ऐसे काटा है, इसे अभी हम साइड में रख देंगे। और मैंने यहाँ पे लिया है 3 अंडे। तो इसमें हम डालेंगे बिल्कुल थोड़ा सा प्याज, आधा प्याज को बिल्कुल छोटे छोटे चॉप करके डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक, पिंच डालेंगे 1 पिंच हल्दी, और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। अच्छे से फेंट लेंगे। आप हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर स्किप कर सकते हैं। तो अच्छे से फेंट लिया है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले हम ले लेंगे एक पैन। पैन में हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। तेल जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, हम अंडे का जो बैटर है वो डाल देंगे इसमें। गैस का फ्लेम मीडियम करके हम 2 मिनट ऑमलेट को एक तरफ होने देंगे। 2 मिनट बाद ऑमलेट को हम एक बार पलट देंगे। नीचे की ओर अच्छे से फ्राई हो गया है, इसे हम 1 मिनट और सेक जाने देंगे। इस तरीके से आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मैं बीच में से इस तरीके से 4 टुकड़ों में कर रही हूँ। चेक करेंगे एक बार, नीचे की ओर भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो ऑमलेट को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हम सब्जी बनाने के लिए ले लेंगे एक कढ़ाई। डालेंगे तेल, 3 से 4 चम्मच हम यहाँ पे तेल डालेंगे। पहले हम आलू और गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा जैसे ही गर्म हो जाए, हम पहले आलू डाल के यहाँ पे फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज के आलू डाला है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू को हम 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके आलू को हम फ्राई करेंगे। आलू को 2 से 3 मिनट फ्राई कर लिया है। आलू का कलर चेंज हो गया, आप देख सकते हैं। निकाल लेंगे हम आलू को। और इसी तेल में गोभी को भी फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम हाई करके गोभी को 4 से 5 मिनट अच्छे से कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। 3-4 मिनट गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं गोभी का कलर चेंज हो गया है। निकाल लेंगे हम गोभी को भी। कढ़ाई में हम ले लेंगे 2 चम्मच तेल। डालेंगे आधा चम्मच 5 फोड़न। थोड़ा सा डालेंगे हींग। अच्छे से जब भून जाए, हम यहाँ पे 1 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके डालेंगे। गोल्डन ब्राउन हो जाने तक प्याज को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज जब हमारा अच्छे से फ्राई हो जाए, हम यहाँ पे डालेंगे 1 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके। 1 मिनट अच्छे से प्याज के साथ भूनेंगे। डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। टमाटर जब हल्का सॉफ्ट हो जाए, डालेंगे 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। अच्छे से 1 मिनट भूनेंगे। अदरक लहसुन जब हमारा अच्छे से भून जाए, डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर,
एक चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर। सभी ड्राई मसाले डालने के बाद हम कुछ देर भूनेंगे। मसाले जब हमारा अच्छे से भून जाए, हम यहाँ पे आलू और गोभी जो फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। मसाले के साथ हम एक मिनट आलू गोभी को भूनेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पानी डालेंगे। मसाले के साथ एक मिनट अच्छे से भून लिया है, अब हम यहाँ पे डालेंगे पानी। दो कप पानी डाला है, जिससे आलू और गोभी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से मिक्स करेंगे और पैन को कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। पैन को कवर कर देते हैं और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे। 5 मिनट बाद आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अब हम ऑमलेट जो बना के रखे थे वो डाल देंगे। इसके बाद 2-3 मिनट और हमें सब्जी के ड्राई होने तक इसे और पका लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे। पैन को कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2-3 मिनट हो गए, ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। गैस का फ्लेम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम में सब्जी को और 1 मिनट ड्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 अंडे का ऑमलेट बनाया है, आप अपने पसंद के अनुसार अंडे बढ़ा सकते हैं। बस 1 मिनट सब्जी को और ड्राई करूँगी। हल्का इसमें ग्रेवी रहेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है हमें। इससे ज़्यादा सब्जी को और ड्राई नहीं करूँगी, तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और सब्जी को हम सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। तो फ्रेंड्स, ये गोभी और ऑमलेट की सब्जी को एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएंगे। इस सब्जी के साथ आपको दाल और दूसरी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी से ही पूरा चावल ख़त्म कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी एक बार ट्राई कीजिए, फिर मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।